हेलो साथियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को दिखाने ले जा रहा हूँ मेरा स्कूल, जहाँ से मैंने पढ़ाई किया था। स्कूल का नाम था डॉन बॉस्को हाई स्कूल। तो स्कूल की कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ स्कूल में बिताए हैं कुछ लम्हे हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो साथियों, मेरा ये वीडियो पूरा देखते रहिए, दिखाता हूँ मेरा स्कूल कहाँ था, कैसा था, मैंने स्कूल में क्या क्या शरारत किया था। तो साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को देखकर अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए साथियों, दिखाता हूँ मेरा स्कूल। और साथियों, मैं आ गया अपने स्कूल में, जहाँ पे मैंने पढ़ाई किया था। ये हमारे स्कूल का मुख्य गेट है। और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, हमारे स्कूल में घुसने से पहले, जैसा कि इधर में एक सड़क है जो और एक स्कूल को जोड़ता है, जो नाम है, जिस स्कूल का नाम है सेंट मेरीज स्कूल। और इधर में जब हम लोगों का छुट्टी होता था, तब इधर में कुछ दुकानें लगता था। तो हम लोग कुछ छुट्टी के वक्त, जब छुट्टी होता था, तब कुछ कुछ खाकर जाया करते थे घर में। स्कूल के अंदर घुसते ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इधर में बैठने का जगह है। इधर में कौन बैठता है, जैसे कि बच्चे का कोई पेरेंट्स वेरेंट्स आते हैं ना, तो वही सब इधर में बैठ कर रेस्ट करते हैं, वेट करते हैं छुट्टी होने का। तो इधर में बहुत सुविधा करके बनाया गया है सुंदर से, कि पेरेंट्स, ताकि कोई सुविधा ना हो। यह हमारे स्कूल का फ्रंट व्यू, जैसा कि देख सकते हैं, यह हमारे स्कूल। और जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस तरफ है अंग्रेजी मीडियम और इस तरफ है असमिस मीडियम। और देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। यह हमारे स्कूल का बास्केटबॉल प्लेग्राउंड, एकदम स्कूल के बीचों बीच है। और वो दो बंदे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं भी बहुत खेला करता था बास्केटबॉल दोस्तों के साथ। कुछ आता नहीं था, लेकिन फिर भी खेला करता था मौज मारने के लिए। मैं उसको बॉल देता था, वो मुझे बॉल देता था। गोल तो नहीं कर पाते थे, लेकिन इधर उधर बॉल उल फेंका फेंकी कर करते थे, उसी में हम लोगों को मज़ा आता था। और साथियों, ये बरिंडा भी हमारे लिए बहुत यादगार था। ये बरिंडा हमारे लिए क्यों यादगार था, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह जब स्कूल आते थे, तब यहीं पर राष्ट्रीय संगीत हम लोग गाया करते थे, जना गना। और फिर राष्ट्रीय संगीत गाकर फिर लाइन बाय लाइन होकर हम लोग क्लासरूम में जाया करते थे। और अगर कोई लाइन तोड़ता था, तो उसके पैर में टीचर सब चटाक से बैठा देते थे। तो वो भी कुछ यादें आ गई, इसीलिए मैं आप लोगों को हमारा स्कूल दिखाने आ गया। और ये है स्कूल का नोटिस बोर्ड। यहाँ पर जो कुछ स्कूल के लिए बंद होगा, कुछ फंक्शन होगा, यहाँ पर लिख कर गद देते थे। हमारा क्लासरूम ऊपर में था, तो इधर से हम लोग एग्जिट होते थे और उस तरफ से हम लोग चढ़ते थे। और देख सकते हैं इधर में कंप्यूटर लैब है। और यहाँ पर फादर खड़े होते थे, जो हम लोगों को राष्ट्रीय संगीत पहले वो गाते थे, उसके पीछे पीछे हम लोग गाते थे। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हमारे फादर का, ब्रदर का रहने वाला रूम है। इधर फादर ब्रदर रहते हैं। और इधर देखिए साथियों, इधर है गिरजा रूम। कितना औसम लग रहा है दिखने में, कितना सुंदर है। अभी तो बंद है, लेकिन खुला रहता तो आप लोगों को अंदर से दिखा देता। अगर गिरजा रूम खुला रहता तो साथियों, मैं आप लोगों को अंदर जाकर दिखाता कि कितना सुंदर से हर एक कोने कोने में सजाया गया है। और अंदर जाकर इतना सुकून मिलता है कि क्या बताएं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, तब गिरजा रूम में जब ब्रेक व्रेक मिलता था, तब गिरजा रूम में जाकर बैठा करते थे, किताबें पढ़ते थे। वो सब अब कहाँ गया, वो सब दिन अब याद ही करके बिताना होगा। खुला रहता तो बहुत एकदम अच्छे से आप लोगों को समझा देता। और ये है साथियों हॉस्टल। हॉस्टल के बगल में ही हमारे फादर का, ब्रदर का रहने वाला बिल्डिंग है, उसके बगल में ही हॉस्टल है। और साथियों, ये देखिए, ये है हमारे स्कूल का लीची गार्डन। और इस लीची गार्डन के चक्कर में हम लोग स्कूल से बहुत पनिश्ड भी खा चुके हैं, क्योंकि जब लीची, मतलब कि पैर में जब होता था लीची, क्योंकि स्कूल से परमिशन नहीं था लीची खाने का क्या, और हम लोग क्या करते थे, चोरी चुपे लीची खाते थे। तो उसी चक्कर में हम लोग स्कूल से फादर के ओर से, मतलब फादर हम लोगों को बहुत पनिश्ड भी करते थे, लेकिन बहुत मज़ा भी आता था। वो एक पल था कि याद रहेगा। तो लीची बगीचे के बगल में ही फूल का बगीचा है,
वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसा कि पीछे आप लोग मेरे देख सकते हैं, फूल का बगीचा है, और सामने में भी देखिए फूल का बगीचा है। बहुत रकम रकम के फूल लगाया गया है इधर, फूल का पेड़ इधर देखिए। ओह, ये सबसे अच्छा लगा मुझे। बहुत सुंदर से स्कूल को सजाया गया है, एकदम बारीकी से। बहुत न जाने कितनों रकम का फूल होगा इधर। देखिए ये लीची बगीचे के बगल में ही है। और साथियों, हमारे लिए ये जगह भी खास था। क्यों खास था? हम लोगों को जब ब्रेक मिलता था 45 मिनट का, तब घर से कुछ ना कुछ टिफिन उफिन लेकर आते थे। हम 5-6 दोस्त मिलकर इधर ही बैठकर टिफिन उफिन खाया करते थे। मैं, मनोज, नारायण, पसन और कोई कोई थे। हाँ, तो ये सब का नाम बताने जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ ये जगह हमारे लिए बहुत खास था, क्योंकि इधर हम लोग टिफिन उफिन खाते थे, बहुत मजा करते थे। हमारा टिफिन वो खाता था, उसका टिफिन मैं खाता था, उसका टिफिन वो खाता था, ऐसे मिला जुला कर हम लोग टिफिन उफिन खाया करते थे। साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे स्कूल में एक तालाब भी है। इधर मछली उछली छोड़ा जाता है। ये देखिए एक बहुत बड़ी एक तालाब भी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारे स्कूल के ठीक पीछे एक सेंट मेरिज स्कूल है, वो रहा सेंट मेरिज स्कूल। येलो कलर का जो बिल्डिंग दिख रहा है, सीधे मेरी उंगली के सीधे सीधे देखिए, वही है सेंट मेरिज स्कूल। तालाब के बगल से ठीक बगल में एक सीक्रेट रास्ता है, जहाँ से हम लोग चोरी छुपे बाहर से समोसा मोसा खरीदते थे, आइसक्रीम विस्क्रीम सब खरीदते थे, और वो भी दिखा देते हैं। चलिए आइए, यही रास्ता है जो हम लोग जाकर समोसा वोसा खरीदते थे। यह वो गेटवा है जो जहाँ से हम लोग चोरी छुपे समोसा वोसा खरीदते थे। यहीं से वो थोड़ा सा छेदा है ना, वही थोड़ा सा छेदा में से हम लोग समोसा वोसा खरीदते थे। इधर बाहर में दुकान पर लगा हुआ रहता था। और यही वो सेंट मेरिज स्कूल है, वहाँ पर देखिए सेंट मेरिज हाई स्कूल लिखा हुआ है, ठीक हमारे स्कूल के पीछे। और साथियों, ये जगह देखिए, ये जगह हमारे लिए बहुत यादगार रहा था। क्यों रहा था? ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये है किचन रूम। इस किचन रूम में क्लास 1-5 तक खाना बनता था। और हम लोग तो 9-10 में पढ़ते थे, और हमारे लिए तो खाना वाना नहीं बनता था। हम लोग क्या करते थे, छोटे बच्चे से जब उन लोगों का खाना हो जाता था, तब छोटे बच्चे से प्लेट लेकर हम लोग खाना लेते थे, और एक ही प्लेट में हम लोग 3-4 जन खाते थे। वो भी क्या दिन था कि क्या बताए, बहुत मजे करते थे। छोटे बच्चे से प्लेट लेकर खाना उना खाते थे, एक बार से नहीं भरता था और एक बार लेते थे। यही सब करके हम लोग को बहुत अच्छा लगता था, और वो भी बहुत यादगार रहा है। जैसे कि खाना उना खाकर इधर में हाथ मुँह धोते थे, और इधर में चापाकल भी है। देखिए ये सब हमारे स्कूल का प्रॉपर्टी है, कितना जंगल। और साथियों, ये है हमारे स्कूल का ऑडिटोरियम, जैसा कि आप वहाँ पर लिखा हुआ है फादर रेमो मोरा मेमोरियल हॉल। ये है हमारे स्कूल का ऑडिटोरियम, यहाँ पर हम लोग नाच गान उन करते थे। जैसा कि साथियों ये देख सकते हैं, ये फील्ड हमारे लिए बहुत खास था, क्योंकि इसी फील्ड में हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, और कुछ कुछ खेला करते थे जब हमारे पीरियड में फ्राइडे के दिन पीटी हुआ करता था। उसी पीटी में हम लोग 45 मिनट्स मिलता था, उसी 45 मिनट्स में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, जो मन चाहे वो भी आप खेल सकते हैं। लेकिन ओनली 55 मिनट मिलता था, वही 55 मिनट में आप लोगों को कुछ जो चॉइस जो मन करें आप लोग वही खेल सकते थे। इधर बैठने का भी जगह है, एनुअल डे में स्पोर्ट्स होता है ना, तो वही ये सब बैठ उठ कर खेला देखते थे लोग इधर बैठ कर। और उसके पीछे और एक तालाब है, ये देखिए इधर में भी मछली छोड़ते हैं। और इधर साथियों देखिए ड्रिंकिंग वाटर है, इधर एकदम फिल्टर पानी आता है, एकदम से ठंडी चिल वाटर आप लोग पी सकते हैं, एकदम साफ पानी है। और ये है साथियों टॉयलेट रूम, इधर हम लोग आकर पिसाब करते थे, किसी को लैट्रिन वेटरिन लगता था तो वो लोग लैट्रिन करते थे। यह लैट्रिन वाला है और यह पिसाब वाला है। पिसाब रूम में भी एक यादें छुपा हुआ है हम लोगों का।
कैसी याद है, जैसे कि जब हम लोग क्लास करते थे तब टीचर से बोलकर हम लोग बाहर निकल आते थे बिना काम के, जे हम लोग का टीचर हम लोग को पेशाब लगा हुआ है, और आग बाहर आकर दो तीन जन आते थे, बाहर आकर गपशप मारते थे फिर चले जाते थे रूम में, थोड़ा सा टाइम पास होता था। टीचर का कौन बोरिंग क्लास करता, इसीलिए हम लोग पेशाब के बहाने बिना काम के बाहर आया करते थे गपशप मारने के लिए। ये भी एक यादगारी है। जैसा कि साथियों, ये है हमारे स्कूल का फार्म, यहाँ पर गाय भैंस ये सब पाला जाता है, और इधर सुअर भी पाला जाता है, वो देखिए सुअर ये सब भी पाला जाता है, और भी बहुत कुछ मुर्गा उर्गा ये सब भी पाला जाता है। इधर बहुत बड़ा फार्म है, ये हमारे स्कूल का है। साथियों, इस स्कूल के हर एक कोने में इमोशन छुपा हुआ है, क्योंकि जब भी याद आ जाता है स्कूल की बात तब भी मन भर जाता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। और सबसे लेटेस्ट वाला सीन है कि वो लीची वाला, लीचू भले पनिश हम लोगों को मिलता था लेकिन लीचू ज़रूर खाते थे चोरी कर कर, क्योंकि उसमें मज़ा आता था, चोरी कर कर खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। हाँ, और इतना कुछ खेलते थे, मतलब कि बहुत मज़े मारते थे। अब कहाँ, अब तो काम उम में व्यस्त हो गए, अब वो सब सिर्फ बातें याद कर कर हम लोग दोस्त सब जब भेंट होता है स्कूल का फ्रेंड, वो सब ये सब बातें करके टाइम पास करते हैं। और क्या, जैसा कि देख सकते हैं हमारे स्कूल में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, चारों ओर से जंगल ही जंगल है, देख सकते हैं।